यही कहना है कि आज के नतीजे से हम मुतमिन है, क्योंकि तमाम पार्टियों की जान से आज के रिजल्ट के हवाले से हर तरफ यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक जो हतमी नतीजे वो होंगे। अभी अगर बात की जाए जो आम आरटीएस के जो रिजल्ट के मुताबिक ही आवाम को आगाह कर रहे हैं कि जिनमें 170 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो अभी तक अपने गैर सरकारी नतीजे वो मौसूल हो चुके हैं, जिसमें आजाद उम्मीदवार जो है बिलाल बुराज वो आगे नजर आ रहे हैं, अच्छे खासा मार्जिन भी नजर आ रहा है 51,000। ठीक है शाहिद महमूद, आप बता रहे थे कि जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी बेहतर काम कर रहा है और तकरीबन 22 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका अभी नतीजा आना सामने है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे सूबाई असेंबली की निशिस्त पीपी 103 तांदलेवाला की, जिसका सरकारी नतीजे आया है और उसके मुताबिक 105 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है और यहां पर भी मुस्लिम लीग नवाज के जाफर अली होचा 23,491 वोटों के साथ पहले नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमशेर हैदर 17,913 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर भी लगभग जो है 5,000 की बढ़तरी जो है वो नून लीग के उम्मीदवार की हक में है और उनकी बढ़तरी कायम है, बढ़तरी कम नहीं हो सकी, कुछ ज्यादा इजाफा भी नहीं हो पाया और 105 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा वो सामने आ चुका है। इस हल्के की अगर बात की जाए सूबाई असेंबली